दोस्तों ये वीडियो मैं दो पर्पज से बना रहा हूँ। एक तो आपको बताऊंगा कि टेक्नो कंपनी के जो मोबाइल होते हैं उनके कैमरे की क्वालिटी क्या होती है, यही चीज़ दिखाने के लिए मैंने एक यूज्ड मोबाइल लिया है जो कि करीब करीब 1.5 साल यूज हो चुका है। तो कैमरा क्वालिटी, सेल्फी कैमरा और बैक कैमरा आप इससे देख पाएंगे। साथ ही इस वीडियो में बताऊँगा कि जो सेल्फी कैमरा होता है उसमें जो टेक्स्ट इमेज उल्टी आती है उसको सीधा कैसे करेंगे, किस तरह की सेटिंग करनी पड़ती है ताकि जो भी इमेज आप खींच रहे हैं, जो भी फोटो आप खींच रहे हैं सेल्फी में, उससे जो टेक्स्ट है, जो लिखा हुआ है कुछ भी, वो बिल्कुल सीधा दिखाई दे। तो ये वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। तो ये दो चीज़ें क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक टेक्नो कंपनी का टेक्नो कैमर आई फोन लिया है जो कि 1.5 साल यूज हो चुका है और करीब करीब मैंने अपनी सारी वीडियो इसी से शूट की है और वो भी फ्रंट कैमरे से, यानी सेल्फी कैमरे से। सेल्फी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और बैक में 13 मेगापिक्सल का है। तो कैमरा क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि जितने नए फ़ोन लॉन्च होते हैं कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली और मैं इसे अभी तक इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब वैसे मैंने Redmi Note 7 Pro ले लिया है लेकिन मैं फिर भी इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए बैक कैमरा है, अभी मैं आपको फ्रंट कैमरा दिखाऊंगा, साथ ही आपको बताऊंगा कि सेल्फी कैमरे में जो सेटिंग करते हैं जिससे इमेज जो है उल्टी ना हो सीधी दिखाई दे और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उल्टे दिखाई ना दे सीधे दिखाई दे। तो छोटी सी सेटिंग कर देंगे तो उससे सही हो जाएगा। ये बैक कैमरे की सेटिंग है, यहाँ से आप इमेज को छोटा बड़ा HD Full HD में कर सकते हैं, शटर साउंड कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज की, पिक्चर साइज सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेटिंग कर लें जब भी कोई नया फ़ोन लें किसी भी कंपनी का, तो सेटिंग में जाके कुछ चीज़ें सेट कर लेनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है फ़ोटो खींचते खींचते आपकी गैलरी जल्दी भर जाती है, तो फ़ोटो कम MB के कर लेनी चाहिए, Full HD से SD में कर लीजिए तो फ़ोटो कम साइज़ की रहेंगी तो आपकी गैलरी भरेगी नहीं। ये फ्रंट कैमरा है और मैं अधिकतर रिकॉर्ड फ्रंट कैमरे से करता हूँ। तो टेक्नो कंपनी के सभी फ़ोनों में काफ़ी अच्छे कैमरे आते हैं, ये मैंने काफ़ी रियलाइज़ किया है और उसके करीब करीब सभी फ़ोनों को अनबॉक्सिंग भी कर रखा है अपने इस चैनल पर। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, आप मैं सेटिंग में चलूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से आपको जो उल्टा टेक्स्ट दिखाई देता है उसको सीधा किस तरह से करना है, किस तरह से सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारे मोड हैं, वीडियो मोड, फोटो मोड, ये टाइमर है, यानी सेल्फ टाइमर सेट करके 3 सेकंड में फ़ोटो खींच जाएगी, एक बार क्लिक करेंगे 3 सेकंड में फ़ोटो खींच जाएगी। अगर सेल्फी लेनी है तो इसको कर दीजिए, यहाँ से आप 10 सेकंड का भी कर सकते हैं, कहीं दूर कैमरा रखा हुआ है तो आप ये क्लिक करके आ जाइए और पोज बना लीजिए, आपका 10 सेकंड बाद फ़ोटो अपने आप क्लिक हो जाएगा, ये ऊपर ही होता है। तो यहाँ सेटिंग खोला, सेटिंग तब खोलनी है जब सेल्फी कैमरा ऑन हो, सेल्फी कैमरा ऑन करके तब सेटिंग खोलनी है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा मिरर इमेज है, इसको बंद कर दीजिए। अब ये ऑन हो गया, पीला कलर आ गया तो ऑन हो गया, अब ये बंद हो गया। बंद हो जाएगा तो आपके कोई भी टेक्स्ट उल्टा नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल सही दिखाई देगा। तो यहाँ से आप उस इमेज को ऑन ऑफ कर सकते हैं।